हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कार्डियो किचन में। मेरा नाम है मनीषा। आज हम बनाएंगे पोटैटो स्माइलीज। ये सभी की फेवरेट है और बच्चों को तो यह बहुत ही पसंद होती है। आज इसको हम जिस तरीके से बनाएंगे कि आप इसे 5 से 10 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। तो अब चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं पोटैटो स्माइलीज बनाना। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 5 उबले हुए मीडियम साइज के आलू। सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल लेंगे, इसमें हम इन आलूओं को ग्रेटर से ग्रेट करेंगे। इसको हमें बहुत ही अच्छे से ग्रेट करना है, इसमें कोई लम्स नहीं होने चाहिए। ये देखिए, सभी आलू को मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अब इसमें मैं डालूंगी 1 टेबल स्पून चावल का आटा, साथ में मिलाएंगे 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, इसी के साथ मैं इसमें डालूंगी नमक स्वादानुसार, साथ में डालेंगे 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स और साथ में 1/2 टीस्पून ऑरिगेनो। आप कोई भी हर्ब यूज कर सकते हैं। इन सभी को अब मैं हाथों से अच्छे से मिक्स करूंगी। ये देखिए, सभी अच्छे से मिक्स हो गया है। ये थोड़ा सा स्टिकी है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैं डालूंगी ब्रेड क्रम्स। मैंने 2 ब्रेड को मिक्सी में चला के उसका क्रम बनाया है। अब इसमें ब्रेड क्रम मिलाते हुए इसको अच्छे से हाथों से मिक्स करेंगे। ब्रेड क्रम को हमें एक साथ नहीं डालना है, इसको हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। ये डिपेंड करेगा आलू की क्वालिटी पे। अगर आपने आलू को उबाल कर थोड़ी देर ठंडा करके लिया है तो ब्रेड क्रम कम लगता है। ये देखिए, सभी अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब मैं हाथों पे थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करूंगी और इसके चारों तरफ अच्छे से ऑयल लगाएंगे। ये देखिए, चारों तरफ अच्छे से ऑयल लग गया है। अब इसको मैं बॉल में रख के फ्रीजर में रखूंगी 10 से 15 मिनट सेट होने के लिए। लगभग 10 मिनट हो गए हैं, डो को फ्रीजर से मैंने निकाल लिया है। अब इसके हम 2 पार्ट करेंगे। इस तरह से इसके हम बॉल बनाएंगे। प्लेटफॉर्म पे अब मैं थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करूंगी और इस बॉल को रखे इस तरह से हाथों से फ्लैट करेंगे। ये हमें थोड़ी मोटी थिकनेस का रखना है। ये देखिए, अच्छे से फ्लैट हो गया है। अब मैं इस तरह से एक कटर लूंगी, कटर से इसको हम कट करेंगे। अगर आपके पास ऐसा कोई कटर ना हो तो आप किसी ढक्कन से भी इसको कट कर सकते हैं। ये जो साइड का पार्ट है इसको हम निकाल लेंगे और इसको हम डो में मिक्स कर लेंगे और वापस से बेलकर इस तरह से सर्किल बना लेंगे। ये देखिए, सभी को मैंने कट कर लिया है। अब स्ट्रॉ से मैं इसकी आईज बनाऊंगी। इस तरह से इसको दबाते हुए हमें बनाना है ताकि आईज अच्छे से बन जाए। ये देखिए, इन सभी की स्ट्रॉ से मैंने आईज बना दी है। अब मैं एक स्पून लूंगी और इसको स्माइली फेस देंगे। इसको हम बीच में से इस तरह से प्रेस करते हुए करेंगे। ये देखिए, स्माइली फेसेस इन सभी के मैंने बना दिए हैं। अब इन सभी को हम प्लेट में रख लेंगे। ये देखिए, इन सभी को मैंने प्लेट में रख लिया है। बाकी बचे हुए डो को भी इसी तरह से पहले हम स्माइली फेसेस बना के रखेंगे। जब तक मैं इनको बनाती हूँ तब तक कढ़ाई में साथ साथ तेल गरम करने रखेंगे।
ये देखिए इन सभी को मैंने अच्छे से शेप दे दिया है। अब चलते हैं गैस की तरफ और इनको डीप फ्राई कर लेते हैं। कढ़ाई में तेल हमने पहले ही गरम करने रख दिया था। तेल गरम हो गया है, अब इन स्माइलीज को हम इसमें डालेंगे। थोड़ी थोड़ी दूरी पर हमें इनको डालना है। लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें इनको तलना है, हमें ज्यादा तेज गैस पे इसको नहीं तलना है। थोड़ा सा ये तल के ऊपर आएंगे, उसके बाद इसको टर्न करेंगे। ये देखिए तलकर थोड़े थोड़े ऊपर आ गए हैं, अब इनको हम टर्न करेंगे। ये देखिए सभी स्माइलीज को मैंने टर्न कर लिया है, अब दूसरी साइड से भी इसको गोल्डन होने देंगे। ये देखिए स्माइलीज दोनों साइड से बहुत अच्छे से गोल्डन हो गई है, अब इनको हम निकाल लेंगे। बाकी बची हुई स्माइली को भी हम इसी तरह से तलकर तैयार करेंगे। अगर आप स्माइलीज को अभी नहीं तलना चाहते हैं तो आप इसको स्टोर करके भी फ्रीजर में रख सकते हैं। ये सभी स्माइलीज को तलकर मैंने प्लेट में निकाल लिया है। ये देखिए बहुत ही अच्छी और क्रिस्पी बना है। इसी के साथ हमारी पोटैटो स्माइलीज बनकर तैयार हो गई है। होपफुली आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपने व्यू जरूर शेयर करें। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।